गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ और गैस की सफाई कर रही हूँ। मैं सुबह का सबसे पहला काम यही होता है कि किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर लिया जाए, क्योंकि आप नाइट में कितना हो सफाई करते हैं, फिर भी मॉर्निंग में आपको किचन क्लीन करना ही पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ और आप सभी से क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अपना मॉर्निंग का सारा वर्क ऐसे ही निपटाती हूँ। और अब मैं दूध, सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ही दूध वाला आ जाता है। तो दूध को भी मैं अच्छी तरह से छलनी से छान के और रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही उसको गर्म कर लेती हूँ। जैसे ही दूध आता है मैं उसी साथ दूध को गर्म करके और रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं अरबी की सब्ज़ी आज बनाने जा रही हूँ। अरबी की सब्ज़ी मेरा लंच में आज, अरबी की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी, यही सब मैं बनाई थी आज लंच में। यहाँ पे मैं दाल को भिगो के रख दूँगी। मैं एक घंटे पहले ही दाल को भिगो देती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी दाल आप जो भी मार्केट से लाते हैं उसमें केमिकल्स भी होता है, पॉलिशिंग की गई रहती है दाल, तो इसलिए मैं उसको भिगो के रख देती हूँ पहले ही। और मैं यहाँ पे लहसुन भी पानी में, जैसे मुझे सब्ज़ी बनाना है तो एक घंटा पहले मैं भिगो के रख देती हूँ कि मुझे उसको साफ करने में, उसके छिलके हटाने में इजी हो जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं जब भी मुझे लहसुन छीलना होता है मैं पहले से ही उसको पानी में डिप करके रख देती हूँ, इसके बाद ही मैं लहसुन को साफ़ करती हूँ, फटाफट हो जाता है। और यहाँ पर मैं दही बनाने के लिए रखी हूँ, दूध था मेरे पास बच गया था, बच्चे पिए नहीं थे, तो उसमें हमने थोड़ा दही का जामन डाल दी और दही बन जाएगा। और मैं बच्चों को फ्रूट कट करके दे दूँगी। खाने का टाइम होता है 11 बजे, मैं बच्चों को देती हूँ फ्रूट। और इधर मैं मशीन भी लगाई हूँ कपड़े धुलने के लिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, एक एक करके अपना सारा काम निपटाना पड़ता है। आप सभी को पता ही है कि मॉर्निंग में कितना काम होता है। और उधर मैं दाल चावल हमारा बन गया है, मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अरबी की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। अरबी को पहले बॉईल कर ली हूँ और फोक के सहारे से मैं उसको उसमें फोक से छेद कर लेती हूँ, ताकि जो मसाले मैं डालूँ अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, तो उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है। मैं यहाँ पे डाली थी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच बेसन डाली थी। उसके साथ में मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। अरबी की पीसेस काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैं उसको चम्मच के सहारे से थोड़ा छोटा कर दी। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं उसमें अरबी को डाल के और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई कर लूँगी। उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमारी अरबी भी फ्राई हो रही है। इधर मैं चावल रखी हूँ, चावल को भी मैं धो के और बैठा दूँगी। दाल हमारी बन चुकी है, तो ऐसे ही मैं अरबी को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे अरबी फ्राई हो चुकी है, तो मैं उसी प्लेट में फिर से इसको निकाल लूँगी। जब भी मैं अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग और 1 चुटकी हींग, 2-3 लाल मिर्च और सब मैं तड़के में डाल दी। और यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज की प्याज को ऐसे ही लंबे लंबे पतले पतले मैं कट कर ली थी, उसको मैं डाल के और अच्छी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर फ्राई कर ली हूँ। और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो जो लहसुन मैं दिखा रही थी उसको मैं छिलके हटा के और मैं अदरक के साथ में उसका पेस्ट बना के रख ली हूँ। मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, ऐसे बना के रख देती हूँ, तो 2-3 मीटिंग आराम से अच्छी तरह से अदरक लहसुन का, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट चल जाता है। यहाँ पे हमारा प्याज अच्छी तरह से भून गया, मैं मसाले सब डाली थी, लाल मिर्च पाउडर,
गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाली थी। और मसाले भुनने के बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ एक बड़े साइज का टमाटो प्यूरी बना के। मसाला यहाँ पे हमारा फाइनली अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसमें फ्राई की हुई अरबी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि जो मसाले की खुशबू है अरबी में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। अपने जितना हमको क्वांटिटी में ग्रेवी रखना है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, तो जितना क्वांटिटी रहे उसी के अनुसार पानी डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा अरबी की सब्ज़ी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे फाइनली हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है, उधर हमारा चावल भी बन गया है, दाल भी बन गई है। और अब मैं यहाँ पे जीवतिया माता के व्रत के लिए तैयारी कर रही हूँ। आप सभी को पता ही है कि यूपी और बिहार में जीवतिया माता की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले से ही तैयार कर लूँगी क्योंकि वेनेस्डे को जीवतिया माता का व्रत है। जिनके भी पुत्र होते हैं, बेटे होते हैं, उनको ये व्रत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी बेटियाँ भी हैं तभी आप रख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर जिनके पुत्र होते हैं उनको तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है पूजा। और ये ब्लाउज मैं मीशो से मंगवाई थी तो बहुत अच्छी है और बहुत मुझे पसंद आई। और ये जो येलो कलर की साड़ी मैं आप सभी को दिखाई, ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और इस पे ब्लाउज जो है वो भी येलो है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये सब साड़ियाँ तैयार करनी है, मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, मैं वही कंफ्यूजन में थी कि कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि कोई भी साड़ी अभी तैयार नहीं है। तो मैं देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ, वही मैं थोड़ा आज मुझे टाइम मिला तो मैं तैयार कर रही हूँ, आप सभी से छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो गोल्डन देख रहे हैं आप सभी, ये जो है कि ब्लाउज का कपड़ा है। और ये साड़ी मैं मीशो से मंगवाई थी, 1000 की ये साड़ी है, 1072 की ये साड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी, कपड़ा भी बहुत सुंदर है इसका, पहनने पे बहुत अच्छा ग्रेस आएगा। तो मैं ये ब्लाउज जो है ब्लाउज पीस कट करके अलग कर लूँगी और मैं इसको दे दूँगी टेलर को सिलने के लिए, क्योंकि मुझे तो सिलने नहीं आता ब्लाउज, तो ऐसे ही करके मैं ब्लाउज पीस अलग कर लूँगी। और इस साड़ी में सबसे अच्छी बात है कि जो इसका नीचे का बॉर्डर दिया है बहुत ही चौड़ा है, तो आप सभी को पता है जब चौड़ा बॉर्डर हो नीचे का हैवी बॉर्डर, तो उसमें फॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना फॉल का भी आपकी साड़ी बहुत ग्रेस उसका खुल के आता है। और इधर मुझे काटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं अपने बेटे को बाबू को बुलाई हूँ और वो पकड़े हैं तो मैं कट कर रही हूँ। तो ऐसे ही करके मैं ब्लाउज पीस कट कर ली हूँ और अभी मैं इस साड़ी को आप सभी को अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसी है साड़ी। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारी साड़ी कैसी लगी। यही है इसकी ब्लाउज और मैं इसको बनवाऊंगी ब्लाउज को, इसके बाद मैं शेयर करूंगी आप सभी से। अभी मैं इसको अलग रख दे रही हूं, अभी मैं पूरी साड़ी आप सभी से शेयर करूंगी कि कैसी है। ब्लाउज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और येलो साड़ी की भी ब्लाउज बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैं जीवतिया रखी हूँ, यही जीवतिया है, इसी को इसी की पूजा की जाती है। एक लड़का एक लड़की होने पे एक सोना और एक चांदी की जीवतिया होती है। चूड़ियाँ मैं कुछ लाई थी कांच की रेड कलर की, वो दिखा रही हूँ। और ये जो है नीचे का बॉर्डर है साड़ी का और ये आँचल है, आँचल में ये बॉर्डर दिया है थोड़ा सा, बहुत प्यारा है इसका लुक, बहुत सुंदर है। ये जो बॉर्डर चौड़ा वाला है नीचे का है और ऊपर का पतला वाला है, तो मैं अभी अपने ऊपर लगा के और आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसी लगी ये साड़ी। तो ऐसे ही आएगी ये साड़ी, ये जो पतला वाला बॉर्डर है ऊपर होगा, नीचे चौड़ा बॉर्डर होगा और बिल्कुल ये रेड कलर की साड़ी है, गोल्डन का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो बहुत प्यारा लुक आ रहा था इस पर, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे ही मैं सिंपल ही थी और तो मैंने सोचा चलो मैं इसी पे आप सभी को लगा के अपने ऊपर दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही है। और ये देखिए ऐसे ग्रेस आएगा इस साड़ी का, ये बॉर्डर जो है नीचे में आएगा और पतला बॉर्डर ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी साड़ी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।